नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के बिहार टीचर के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के क्लास 1 से 5 SCERT सिलेबस पर आधारित सामान्य अध्ययन के बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट के लिए तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कम्प्लीट सिलेबस आपका कवर किया गया है, जिसमें दोस्तों देख सकते हैं कि सामाजिक प्राथमिक गणित हो गया, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, ये GA हो गया, उसके बाद सामान्य विज्ञान हो गया, GS हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, SST वाला पोर्शन हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, हिस्ट्री, और उसके बाद भूगोल और पर्यावरण। ठीक है, कंप्लीट सेल्फ स्टडी गाइड है दोस्तों, और चैप्टर वाइज आपको MCQ देखने को मिलेंगे, साथ में आपको 2 प्रैक्टिस सेट भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। किरण पब्लिकेशन का ये दोस्तों बुक है बिहार शिक्षक के लिए, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस बुक का MRP तो 375 रुपये है, और बुक का कोड दोस्तों देख लीजिएगा 4308 है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें तो इस बुक में आपको 416 पेज आपको देखने को मिलेंगे, और इस बुक के मैं बता दूं ऑनलाइन ऑफलाइन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बुक के पहले पेज में दोस्तों आप देखेंगे तो ये किरण पब्लिकेशन का बुक है बिहार टीचर के लिए है, और जो BPSC जो एग्जाम कराएगा उसके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 से 5 के लिए SCERT सिलेबस पर आधारित ये सामान्य अध्ययन का बुक है दोस्तों, सेल्फ स्टडी गाइड है, चैप्टर वाइज आपको MCQ देखने को मिलेगा, और 2 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम विषय सूची की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो विषय सूची में आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आपको कैसे सफल होना है उसके बारे में बेसिक जानकारी देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको गणित के सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जिसमें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहले मैं सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ, गणित हो गया, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, उसके बाद यहाँ पे भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था हो गया, विज्ञान हो गया, उसके बाद यहाँ पे सामान्य जागरूकता, पर्यावरण, और मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको 1 और 2 देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलने वाला है। मैथ्स में दोस्तों आप देखेंगे तो संख्या पद्धति हो गया, उसके बाद पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत सक्रिय जो भी इक्वेशन हो गए, उस भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 आधारभूत सक्रियाएँ, उसके बाद दशमलव भिन्न हो गया, गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण हो जाएगा, महत्तम समवर्तक, LCMSF, वर्गमूल और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, घात घातांक, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सिंप्लीफिकेशन हो गया, मापन समय पद्धति हो गया, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ प्रॉफिट रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद समय टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद SICI हो गया, क्षेत्रमिति हो गया मतलब इंसुरेशन, रेखा गणित हो गया, आंकड़ों का प्रबंधन मतलब DI। ठीक है, तो मैथ्स के सारे सब्जेक्ट को जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको कवर किया गया। मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग में देखिएगा एनालॉजी हो गया, वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया इंग्लिश में बोलेंगे, संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस हो जाएगा, रैंकिंग हो गया, सिंबल चिन्ह मतलब सिंबल वाला जो क्वेश्चन होता है, वेन डायग्राम हो गया, समय दिन तिथि वर्ष संबंधी प्रश्न हो जाएंगे, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना, विविध प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिशाएं, घूर्णन, दूरी मापन, दर्पण, प्रतिबिंब, श्रृंखला, सदृश्यता मतलब एनालॉजी, वर्गीकरण, उसके बाद दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, कागज के टुकड़े व मोर प्रतिरूप पूर्ण करना, छिपी हुई आकृति, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, प्राचीन इतिहास हो जाएगा, मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा, आधुनिक इतिहास हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति, कला एवं संस्कृति हो जाएगा, विश्व का इतिहास हो जाएगा। MCQ में देखने को मिलेगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास का MCQ आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद भूगोल में आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल और उससे रिलेटेड MCQ आपको देखने को मिलेंगे। आगे दोस्तों देखिएगा भारतीय संविधान राजव्यवस्था में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, मूल कर्तव्य हो जाएगा, संसद हो जाएगा, महान्यायाधी एवं महाधिवक्ता हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय एवं न्यायालय हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति उनका कार्यालय हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा, लोकसभा उसके अध्यक्ष हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय उनकी अधिकारिता
भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यालय हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे राज्य संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे, प्रमुख फैक्ट हो जाएगा, संविधान के अनुसूची एवं संबंधित विषय हो जाएगा, भारतीय विषय एवं राज्य व्यवस्था MCQ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिएगा सामान्य विज्ञान हो जाएगा, सजीव एवं निर्जीव हो जाएगा, भोजन के स्रोत हो जाएगा, धातु एवं उपधातु हो जाएगा, पदार्थों का पृथक्करण हो जाएगा, पेड़ पौधे कार्य एवं संरचना हो जाएगा, जीव जंतु कार्य एवं संरचना हो जाएगा, मापन एवं गति हो जाएगा, बल एवं बल कार्य ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद प्रकाश, विद्युत धारा, चुंबक एवं उसकी विशेषता, कचरा एवं प्रबंधन, मानव रोग विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कृषि के कुछ विशिष्ट प्रकार, वैज्ञानिक यंत्र हो जाएंगे। उसके बाद पर्यावरण में दोस्तों देखिएगा पर्यावरण परिस्थिति को हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहल हो जाएगा, जैव विविधता संरक्षण, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, बिहार में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उसके बाद वन्य अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, कालराव बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव, विभिन्न पर्यावरण विश्व सम्मेलन, पर्यावरण MCQ आपको देखने को मिलेगा। सामान्य जागरूकता में दोस्तों भारत में प्रथम, भारत में वर्तमान, भारत के प्रमुख शहरों की भौगोलिक उपनाम, नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय शहर, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राजधानी, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस हो जाएगा, भारत के प्रमुख व्यक्ति समाधि स्थल हो जाएगा, भारत के प्रमुख पर्यटन हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएंगे, विश्व की प्रमुख भौगोलिक उपनाम हो जाएंगे, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर हो जाएंगे, विश्व में 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे, विश्व में प्रमुख देश राजधानी उनकी मुद्रा हो जाएंगी, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे, प्रमुख खेल स्टेडियम हो जाएंगे, देश के प्रमुख अनुसंधान संस्था हो जाएंगे, सामान्य अर्थव्यवस्था हो जाएगा, बिहार सामान्य परिचय हो जाएगा, बिहार में प्रथम, बिहार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सामान्य जानकारी MCQ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जिसमें आपको सारा सब्जेक्ट को कवर किया गया है, 40 नंबर का जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कवर किया गया है। उसके बाद दोस्तों बुक के कंटेंट पे आते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा सबसे पहले बताया गया है कि कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या करना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा, इस एग्जाम से रिलेटेड किन किन पॉइंट पे आपको ध्यान देना है सारा कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है ना, कैसे आपको स्टडी करना है सारा कुछ। चलिए आप दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह से आपको हर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स का थ्योरी आपको सबसे पहले देखने को मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, हर एक चीज़ को, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको अभ्यास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका ही कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद उनका आंसर की देखने को मिलेगा और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों, ठीक है, इस बुक के अंदर। अब दोस्तों आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से, पूर्ण संख्याओं पर आधारित, 4 आधारभूत सक्रिय, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से थ्योरी प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों इस बुक के अंदर, पूरा कंप्लीट थ्योरी के साथ और प्रैक्टिस के साथ ये बुक आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इस बुक को आप परचेज कर लेंगे तो और कोई बुक की ज़रूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि इस बुक से आपका बेसिक तैयारी हो जाएगा, वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। आप इस बुक से अगर आप स्टडी करते हैं तो 40 में से कम मुझे लगता है कि आराम से 35 से 36 आप आराम से लेके आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बुक है दोस्तों आपके सिलेबस पे आधारित है, बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक की तरफ, यहाँ रीजनिंग आप दोस्तों देख सकते हैं, तो रीजनिंग में भी आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग का हम पेज नंबर देख लेते हैं कि रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा रीजनिंग है 103 पेज नंबर में जाना है, तो 103 पेज नंबर निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा मेंटल एबिलिटी हो गया, उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग में भी थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन थ्योरी आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे मतलब जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो रीजनिंग भी मैथ्स के जैसा आपको टाइप वाइज आपको देखने को मिलेगा, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ दोस्तों देखने को मिलने वाला है, ठीक है। रीजनिंग के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे रीजनिंग के बाद है इतिहास, पेज नंबर 149, ठीक है,
यहाँ दोस्तों देखिएगा पेज नंबर 149, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास हो गया, उसको कवर किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्राचीन इतिहास को वाले पोर्शन को भी कवर कर दिया गया है इस बुक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास को कवर किया गया है, ठीक है। मगध साम्राज्य जो हो गया, बिहार से रिलेटेड जो साम्राज्य है उनको कवर किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बौद्ध विहार हो गया, बिहार में अफगान हो गया, चेरा चेरी और उज्जैन राजवंश हो जाएगा, अकबर के नवरत्न हो जाएंगे, उसके बाद मराठा साम्राज्य हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्रतीक हो जाएगा, यहाँ से शुरू होता है मेन आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम चरण है ये, यहाँ से आपको अच्छे से तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों देखिए पूरा जो भी आपके सिलेबस में है वो सभी चीज़ को इसमें कवर किया गया बहुत ही शानदार तरीके से, तो इस बुक को आप दोस्तों ले सकते हैं। चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, और अगला सब्जेक्ट है भूगोल, पेज नंबर 207, पेज नंबर 207 हम निकालते हैं। यहाँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, टॉपिक के अंत में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको इतिहास देखने को मिलेगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, और आंसर की भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भूगोल, सबसे पहले विश्व के भूगोल, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी थ्योरी है वो कवर किया गया अच्छे तरीके से, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों। उसके बाद भारत का भूगोल भी अच्छे तरीके से कवर किया गया है, फिर बिहार का भूगोल भी आपको देखने को मिल जाएगा, और टेबुलर फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको कवर किया गया है। बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों, बहुत ही शानदार बुक है, और एग्जाम ओरिएंटेड इस बुक को बनाया गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिएगा भारत का भूगोल हो गया, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1935 हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता का निर्माण हो गया, भारतीय संविधान की समितियाँ उनके अध्यक्ष हो जाएंगे, आर्टिकल्स हो गए, सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एमसीक्यू के फॉर्म में, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेंगे, सामान्य विज्ञान आपको देखने को मिलेंगे, सजीव एवं निर्जीव हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान से रिलेटेड अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान, हर एक टॉपिक को कवर किया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया, साइंस और टेक हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। और इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको साथ में आपको सामान्य विज्ञान को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये आगे दोस्तों देख सकते हैं, ये पर्यावरण वाला पोर्शन है, ठीक है। पर्यावरण में भी आपको उसी तरह से थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से थ्योरी आपको देखने को मिलने वाला है पर्यावरण में, और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है पर्यावरण से रिलेटेड। उसके बाद सामान्य जागरूकता आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों इस बुक के अंदर, और बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे सामान्य जागरूकता मतलब जीके वाला पोर्शन है, ये भी कवर किया गया है यहाँ पे, मैप ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ में आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा, जो प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता से रिलेटेड, और मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों देखिएगा ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, और यहाँ पे टोटल आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर 40 क्वेश्चन आपको सामान्य जागरूकता जो है मैथ्स और रीजनिंग के अलावा, सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको जो जीके है जीएस है उससे रिलेटेड आपको कुल मिला के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन का यहाँ प्रैक्टिस दे दिया गया है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो गया टोटल, 120 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस दे दिया गया है, मतलब ये दोस्तों अगर हम बात करें ये कंप्लीट एक आपको गाइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इस बुक के बारे में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।